नमस्कार, एबीपी न्यूज पर जारी है शिखर सम्मेलन दिल्ली। और देखिए, अगले खास मेहमान हमारे साथ जो मंच पर जुड़ने वाले हैं वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं। लेकिन इससे पहले मनीष जी मंच पर बैठे, मैं इनको खास तौर से आपके लिए लेकर आई हूँ डिजिटल लाइव के लिए। और मनीष जी से सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि भाई दिल्ली में तो बीजेपी ने आपका जो सबसे बड़ा यूएसपी था स्कूल, उसी की हवा निकाल दी। वो चले गए सांसद उनके सारे और कह रहे हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना टीचर है। मुझे बड़ा दुख है कि देश के गृह मंत्री जी ने जो ट्वीट किया इतने बड़ी उम्मीद के साथ अपने सांसदों के दावों पर, उनके सांसदों ने उनकी बेइज्जती करा दी। आज सांसदों ने इतने झूठी झूठी तस्वीरें ला दी स्कूलों से, सारी झूठी हैं। मुझे दुख हो रहा है कि अपने नेता का सांसदों ने इतना अपमान कर दिया और उनसे दिल्ली के शिक्षकों का इतना अपमान करा दिया। सारा झूठ, मतलब एक एक वीडियो झूठ, एक एक तस्वीर झूठ। मैंने तो हवा निकाली अभी पीसी की, वो गौतम गंभीर जी ने कहा ये स्कूल देखिए दिल्ली का, उसके सामने हमने बोर्ड पे लिख रखा है ये स्कूल अभी शिफ्ट हो गया है, दूसरी जगह से चल रहा है, इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा और नया स्कूल बनाया जाएगा। गौतम गंभीर जी दुखी होके अमित शाह जी को भेज दिए, देखो जी स्कूल ना तो ऊंची दुकान फीकी पकवान जो वो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं दुकान ही नहीं ढूंढ पाए। वो अमित शाह जी को भी उन्होंने कह दिया जी देखो ट्वीट कर दो, अमित शाह जी ने जोश में आके ट्वीट कर दिया। अब ये तो गलत है ना, अमित शाह जी को कम से कम अपने सांसदों को डांट लगानी चाहिए इस बात पे। तो मनीष जी को क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है, जनता किस मुद्दे पर वोट देगी? शिक्षा आपको लग रहा है सर, लेकिन वो शाहीन बाग का सब्ज बाग जो राजनीति में दिखा जा रहा है उसका क्या होगा? वो देख नहीं रही जनता, वो जनता देख रही है कि यार हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम एक फादर हैं, हमें अपने फ्यूचर है, अपने बच्चों का फ्यूचर के लिए वोट करना है, और आज कर रही है। पर आप लोग जो चुनौती दे रहे थे, देखिए शर्जील इमाम तो गिरफ्तार हो गया, अच्छी बात है ना, लेकिन 4 दिन क्यों लगे? क्या कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतजार कर रहे थे? और आप लोग के ऊपर जो वो आरोप लगाते हैं कि ये देखो हमने तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन ये तो कन्हैया कुमार और उमर खालिद इनकी फाइल तो आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। बात बताओ, एक आदमी अलीगढ़ में कुछ बोलता है, दिल्ली में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं, अरे यूपी पुलिस तुम्हारी, दिल्ली पुलिस तुम्हारी, जहां से पकड़ा गया वहां तुम्हारी पुलिस, 4 दिन क्यों लगे? लेकिन शाहीन बाग तो दिल्ली में है ना, दिल्ली में है शाहीन बाग, दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री को तो जाना चाहिए ना। जब आप लोग कहते हैं कि आप लोग शाहीन बाग के लोगों के साथ हैं, आप लोग सीए के खिलाफ हैं, तो शाहीन बाग से दूरी क्यों? गृहमंत्री जी क्यों दूरी बना रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, जरा उनसे ही पूछ लीजिए क्यों नहीं जा रहे। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी का जवाब दीजिए। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है शाहीन बाग के लिए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? नहीं, नॉट एट ऑल। शाहीन बाग के लोग आपके नहीं? ग्रह लोग हैं, उनके बच्चों की शिक्षा मेरी जिम्मेदारी है, उनके बच्चों के उनके घर में बिजली का बिल 0 लाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर गृहमंत्री की जिम्मेदारी है, करें। लेकिन समझाने बुझाने का काम, साथ लेकर चलने का काम, या फिर उन्हें छोड़ देना है आपको कि वो निशाने पर ले लें, दूसरी तरफ के नेता कुछ भी कह दें कि साहब शाहीन बाग के लोग जो है दिल्ली के लोगों के घरों में घुसेंगे, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप करेंगे, तो दूसरी पार्टियों के नेता देखें कि वो किस तरह की राजनीति और किस तरह का माहौल फैला रहे हैं देश में। क्या आम आदमी पार्टी को डर लग रहा है क्या कि अगर शाहीन बाग पर खुलकर कुछ स्टैंड ले लेंगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे? आप लोगों को चुनाव में शाहीन बाग के अलावा कुछ दिखता नहीं है क्या? मतलब ये दिल्ली का चुनाव हो रहा है या शाहीन बाग का म्यूनिसिपल चुनाव हो रहा है? आपको क्या लग रहा है, फिर असेसमेंट क्या है मनीष सिसोदिया का? आम आदमी पार्टी पिछली बार तो ऐतिहासिक जीत 67 सीट, इस बार क्या होने वाला है? इस बार दिल्ली की जनता मूड में है और इनको बताएगी कि त्रिलोकपुरी के एक दंगे की कीमत 67 सीट, तो अब जब हिंदू मुस्लिम का जहर ये लोग फैला रहे हैं, इनको ऐसा तमाचा मारेगी जनता, ऐसा तमाचा मारेगी, इनको त्रिलोकपुरी भी भूल जाएंगे ये। 2015 में याद है ना, चुनाव से पहले जब हम कह रहे थे काम करिए, काम पर बात करिए, ये लोग त्रिलोकपुरी में दंगे फैला रहे थे, त्रिलोकपुरी की जनता ने बहुत करारा तमाचा दिया था इनको। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी हमसे बात करने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।